हेलो फ्रेंड्स, मैं और एक नया रेसिपी लेके आई हूँ। आज मैं बनाऊंगी मोतीचूर के लड्डू। सो चलिए शेयर करते हैं। तो मैंने एक बाउल में 1 कप बेसन ले लिया है। ये हाफ कप का मेजरमेंट का कप है, सो मैंने इसमें 2 कप लिया है 1 कप। और इसको थोड़ा मैं मिक्स कर देती हूँ। अभी इसको मैं हाफ कप पानी ले लेके थोड़ा थोड़ा करके गूंदूंगी। इसका स्ट्रक्चर बहुत ही क्रीमी टाइप होना चाहिए। देखिए, इसका स्ट्रक्चर बहुत ही क्रीमी टाइप बन गया है। तो इसको अभी मैं एक कढ़ाई में तेल ले लिया है, तो अभी मैं बूंदी के हिसाब में इसको फ्राई करूंगी। तो मैंने इसके लिए एक छन्नी ले लिया है, उसमें मैं वो जो क्रीमी टाइप का बेसन का स्ट्रक्चर है उसको मैंने दे दिया है। अभी इसको मैं जैसे बूंदी जैसे फ्राई करते हैं उसके जैसे मैं फ्राई करूंगी। थोड़ा सा ही फ्राई करना है, ज़्यादा डीप नहीं करना है, नहीं तो इसका टेस्ट ख़राब हो जाता है। तो इसको मैं थोड़ी देर ही फ्राई करूँगी, 5 मिनट तक। तो एकदम लो वॉल्यूम में इसको मैं अभी 5 मिनट तक फ्राई करूँगी। तो देखिए, ये मेरा बन के रेडी हो चुका है। इसको डीप फ्राई मत कीजिए, नहीं तो ये इसका टेस्ट बहुत ही ख़राब बनता है। इसको लाइट ही हल्का हल्का फ्राई कीजिए। तो इसको मैंने फ्राई कर लिया है, अभी इसको मैंने एक साइड में रख दिया है। तो मैंने सबको फ्राई कर लिया है, तो ये मेरा निकल गया है बूंदी टाइप का स्ट्रक्चर। तो अभी इसको मैं मिक्सी में इसको मैं पीसूँगी, इसका थोड़ा दरदरा सा बनाऊँगी। थोड़ा सा ही पीसना पड़ता है, तो इसको 3-4 सेकेंड तक आप मिक्सी को पीसे तो हो जाएगा। तो एक कढ़ाई में मैंने 1/4 कप पानी ले लिया है, तो उसमें मैंने 1/2 कप तक शुगर ऐड किया है। तो अभी मैं शुगर को पानी के साथ पूरा मिक्स कर दूंगी, जैसे शुगर का कोई दरदरा नहीं रहे, वो पूरा गल जाए। तो इसको थोड़ी देर आप मिक्स करते रहिए, ये ऑटोमेटिकली गल जाएगा। तो ये हो गया। उसके बाद मैंने इसमें 1/4 स्पून रेड कलर का मैंने फूड कलर इसमें मिक्स किया है। तो इन सबको मैंने थोड़ी देर इसको मिक्स करूँगी, जब तक इसका थोड़ा थोड़ा स्टिकी स्टिकी का स्ट्रक्चर ना आए। तो ये मेरा ऑलमोस्ट बन चुका है, थोड़ा थोड़ा स्टिकी स्टिकी टाइप का हो चुका है। तो इसमें मैं 1 स्पून इसमें मैंने घी ऐड कर दिया है, 1 टेबल स्पून मैंने इसमें घी ऐड कर दिया है। तो अभी इसमें मैंने जो बूंदी को मैंने ग्राइंड कर लिया था उसमें मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। तो इसको ऐड करके अभी इसको मैं थोड़ी देर तक चलाऊँगी, जैसे इसका कढ़ाई से ये चिपकना बंद हो जाए तब तक इसको मैं चलाऊँगी। देखिए, ये बहुत ही टेस्टी बनता है, आप भी ट्राई कीजिए, बहुत ही अच्छा बनता है। तो ये ऑलमोस्ट मेरा बन चुका है, ये कढ़ाई से थोड़ा थोड़ा छोड़ने लगा है, तो ये मेरा ऑलमोस्ट बन चुका है। इसको आप जितना देर तक इसको मिक्स करेंगे तो इतना ही अच्छा बनता है ये, क्योंकि थोड़ी देर मिक्स करने से चीनी और जो घी इसके अंदर अच्छे से आ जाता है। जितना देर आप इसको मिक्स करोगे, थोड़ी देर मिक्स करने से ये नहीं होता है। तो आपको इसको चलाते रहना है जब तक ये पूरा छोड़ ना दे कढ़ाई से। तो ये मेरा ऑलमोस्ट कढ़ाई से चिपकना बंद हो गया है। तो अभी इसको मैं थोड़ी देर के लिए 2-3 मिनट के लिए इसको रख दूँगी। इसको गर्म, जितना गर्म होते हैं उसमें इसका लड्डू बनाना चाहिए, नहीं तो ये ठंडा हो जाने से ये अच्छा नहीं बनता है। तो गरम गरम में ही लड्डू बनाए। मैंने हाथ में थोड़ा पानी ले लिया है, तो मैं हाथ को पानी से थोड़ा थोड़ा धो धो के इसका एक लड्डू बना रही हूँ। ये लड्डू बहुत ही सॉफ्ट बनता है और बहुत ही अच्छा बनता है, तो आप प्लीज़ ट्राई करो ये लड्डू। तो इसको मैं अभी लड्डू के शेप में बनाऊँगी सारे को। तो ये मेरा लड्डू बन के रेडी हो चुका है। तो इसमें मैंने सिल्वर लीव्स में इसमें ऐड कर दूंगी, थोड़ा इसको हलवाई टाइप का स्टाइल आ जाए। सो इसमें मैं थोड़ा थोड़ा करके सिल्वर लीव ऐड कर दूंगी। अगर आपके पास पम्पकिन सीड या मेलन सीड हो तो भी इसमें मिक्स कर सकते हो, वो भी अच्छा लगता है। तो इसको मैं सारे लड्डुओं में इसे मिक्स कर दिया है। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना। तो ये रेसिपी आप भी ट्राई कर सकते हो, ये कोई त्योहारों में बनाने से बहुत ही अच्छा बनता है।
सो थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।